हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्वशी किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कड़ी पत्ता की चटनी, जिसे मैंने बनाने के लिए कड़ी पत्ता यूज किया है। कड़ी पत्ता एक बाउल लेंगे हम, लाल मिर्च 3, नमक, मूंगफली के दाने और लहसुन। सबसे पहले हम गैस ऑन करके सिर्फ 1 चम्मच जितना तेल डालेंगे और तेल गरम होते ही हम कड़ी पत्ता सेक लेंगे। इसको क्रिस्पी होने तक हमें सेकना है। ये देखिए, इसको मैंने बार बार स्टर किया है और इस तरह से ये क्रिस्पी हो जानी चाहिए। ये देखिए, आप चेक कर लेना ये क्रिस्पी हुई है या नहीं। वहाँ तक आपको सेकना है और बाद में इसको एक बाउल में ले लेना है। अब मैं ये लहसुन 1 चम्मच तेल डालूंगी। थोड़ा सा ही तेल डालना है, 1 चम्मच भी नहीं, थोड़ा सा तेल डालना है और इसे सेकना है। और मैं एक प्लेट में ले लेती हूँ और इसके बाद मूंगफली के दाने, ये भी मैं वापिस एक बार सेक लेती हूँ। अब मैं ये कड़ी पत्ता थोड़े थोड़े करके ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये बाकी के जो कड़ी पत्ते हैं वो भी ग्राइंड कर लूंगी। मूंगफली के दाने डाल देती हूँ, 3, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और लहसुन जो मैंने 4 कली ली थी। अब सारी चीजों को हम ग्राइंड कर देंगे। ये एक बाउल में ले लेती हूँ। ये कड़ी पत्ता जो है ये बहुत ही पौष्टिक है, इसमें से कैल्शियम मिलता है और हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। तो ये है कड़ी पत्ता चटनी रेडी। इसको आप रोटी, पराठा, इडली, डोसा, किसी भी चीज के साथ खा सकते हो। आप ट्राई जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही हेल्दी है कड़ी पत्ता खाना, तो आप ट्राई जरूर करना। इसमें आप एक्सेस कड़ी पत्ता अपने लिए यूज कर सकते हो, तो ये बहुत ही टेस्टी भी है, आप ट्राई जरूर करना। थैंक यू।